मेवात जिले की प्रोजपुर जिर का वार्ड नंबर 15 में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले चार सट्टाधारियों को नुह पुलिस ने दबोच लिया है। उनसे 37,740 रुपए की नकदी भी व सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि नुह से डीएसपी सुधीर तनेजा ने कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर बदरुद्दीन पुत्र जुम्मा निवासी वार्ड नंबर 15 प्रोजपुर झिरका आईपीएल का मैच दिखाकर सट्टा खिलाने का काम करता है, जो अपने घर पर सट्टा खिला रहा था। इस सूचना को पाकर जिला नुह पुलिस के तेज तर्रार युवा आईपीएस हेमेंद्र कुमार मीणा, सहायक पुलिस अधीक्षक नुह के नेतृत्व में गठित टीम ने उक्त स्थान पर दबिश देकर आईपीएल 2020 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 37,740 रुपए की नकदी, 16 मोबाइल फोन, एक एलईडी 24 इंच, एक रजिस्टर व अन्य सामान के साथ मौके से काबू कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शौकीन पुत्र मंगतू, बदरुद्दीन पुत्र जुम्मा, सोनू उर्फ राहुल पुत्र लक्ष्मी नारायण व तालीम पुत्र जाकिर निवासियान प्रोजपुर छिरका जिला नुह के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ थाना प्रोजपुर छिरका में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आप देख रहे हैं नुह से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। मैं लियाकत अली पत्रकार, मेवात जिले का नंबर वन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। 2010-2020 को हमारे हेमेंद्र मीणा आईपीएस सहायक पुलिस आयुक्त आईपीएस हैं, जिनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। फिरोजपुर झिरका से इन्होंने आईपीएल के संबंध में पंजाब वर्सेस मुंबई का मैच चल रहा था, जिस संबंध में उन्होंने रेड मारी तो चार आदमी गिरफ्तार किए और उनसे 37,740 रुपये बरामद करे, 16 मोबाइल बरामद करे हैं और इसके अलावा अन्य सामान भी काफ़ी मात्रा में बरामद किया है। और बाकी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अरेस्ट कर लिए गए हैं, पैसे बरामद कर लिए गए हैं, सामान रिकवर।